बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ बांटे, आसानियाँ समेटे वाला बनाए। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ईजी रेसिपी है। कोई इसमें वो इंग्रीडियंट्स हैं जो आपके घर में यूज़ होते हैं, सिंपल और ईजी और हर रोज़ रमज़ान और मुबारक में यूज़ होने वाले जो मिसाला है, ये वो मिसाला है। आप खुद बनाएं इसे। एक तो इससे आपका ये होगा कि टाइम सेविंग होगा, बनी हुई होगी तो आपको ईजी रहेगा। दूसरा, बाजार के आपके पैसों की सेविंग है तो आप बना के रख लें बहुत ज़्यादा और रोज़ यूज़ करें। पकौड़ों पे यूज़ करें, चाट पे यूज़ करें, फ्रूट चाट पे यूज़ करें, दही पल्लों में यूज़ करें। तो जी, जो सबसे पहले मैं आपको मेन इंग्रेडिएंट्स बताऊँ इसका, सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करूँ ये पुदीना है, ड्राई पुदीना। मैंने अपने घर का पुदीना लगा हुआ था उसको लेकर ड्राई किया। अगर आपके पास नहीं है, फ्रेश पुदीना लेके उसे फ्राई पैन के अंदर थोड़ी देर के लिए, जैसे ड्राई रोस्ट करते हैं तो उसे ड्राई कर सकते हैं। तो मेरे पास था तो मैंने ये लिया है, ये हाफ कप मैंने ड्राई पुदीने का लिया है। तो ड्राई पुदीने के लीव्स हैं ये, और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है सूखा धनिया, और 3 टीस्पून मैंने चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया आमचूर पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया अनारदाना, और 1 सौंठ ड्राई जो अदरक है उसका मैंने लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन पाउडर डाला है। अजवाइन पाउडर नहीं, अजवाइन है, और साबुत ज़ीरा है। आप अगर काला और सफ़ेद ज़ीरा आपके पास सेपरेट है तो आप 2 टेबलस्पून काला ज़ीरा डालें और 1 टेबलस्पून आप वाइट ज़ीरा डालें। मेरे पास काला ही है तो मैंने 3 टेबलस्पून ये लिया है। और उसके बाद नटमेग है, ये मैंने लिए हैं 2 अदद। अगर बड़े साइज़ के 2 डालें, अगर छोटे हैं तो 3 डालें। तो उसके बाद नमक है, प्लेन जो सॉल्ट आपके घर में यूज़ होता है वो मैंने लिया है, वो 1 टीस्पून है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें लिया है काला नमक। तो इन सब चीज़ों को अभी मैं पहले मैं रोस्ट करूँगी, ड्राई रोस्ट करूँगी उनको। मैं सूखा धनिया, ज़ीरा, सौंठ, इनको पहले मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। इन्हें तकरीबन 2 मिनट लगेंगे ड्राई रोस्ट होने में, क्योंकि ड्राई रोस्ट करने का ये फ़ायदा है, वैसे तो आप वैसे भी ग्राइंड कर सकते हैं लेकिन ड्राई रोस्ट करने का ये फ़ायदा है कि इनमें अगर फिर नमी है तो वो ड्राई हो जाएगी और ये बहुत अच्छे से इनमें हल्की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब हम उसी पैन में अनारदाना ऐड करेंगे। हमें ड्राई रोस्ट हो गई है, हम अब इनको ग्राइंड कर देंगे। इनको निकाल लेंगे। इन सारों को मिक्स करके छान लेंगे। और ये देखिए, ये ग्राइंड हो गए होंगे और ये इसमें कुछ पार्टिकल बच गए। अब इनको हम दोबारा डालेंगे, दोबारा ग्राइंड करेंगे, फिर छानेंगे। उसके बाद जो रह जाएगा वो इसका मतलब है वेस्ट है, वो नहीं होंगे तो वो हम फेंक देंगे। लेकिन ये देखें, अब ये दोबारा हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड हो गया, अब ये इसमें से रह गया, ये मेरे ख्याल में वेस्टेज ही है, छिलके वगैरह जो उसके थे पुदीने वगैरह धनिए के और इस तरह के पुदीने में डंडी वगैरह हो वो, तो ये हम निकाल देंगे। और ये हमारा हो गया तैयार, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी से और किसी एयर टाइट जार में डाल के आराम से रमज़ान में यूज़ करेंगे ताकि हम अपनी
चीज़ें बनी हुई हैं रमज़ान में, तो आपको ये सहूलत है कि आप आराम से इबादत कर सकते हैं। वैसे तो आप वैसे भी करके काम रखते ही हैं, लेकिन रमज़ान में स्पेशल करके रखने का फ़ायदा आप आराम से तसल्ली से रोज़े के साथ अपनी जो इबादत होती है वो कर सकते हो। और ये हमारा होममेड मसाला चाट मसाला तैयार हो गया है। अगर आपके पास टाटरी है तो आप इसमें टाटरी को भी ऐड सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अगर आप आमचूर खटाई ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें आमचूर आप का पाउडर जो है वो आप और ऐड कर सकते हैं। और ये देखें, मैंने अभी चख के भी देखा है, बहुत मज़े का, बिल्कुल बाजारी टेस्ट है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा, मिलूंगी किसी नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।